हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पक्षी मोर करीब 1,00,000 जोधपुर जिले में हैं, जबकि राज्य में 6,07,360 मोर पाए गए हैं। मोर की सबसे कम संख्या सवाई माधोपुर और टोंक में पाई गई। हाल ही में सरकार द्वारा राज्य में मोर की गणना करने के निर्देश देते हुए वन विभाग 12,00,000 रुपए का बजट आवंटित किया। मोर को संरक्षण देने के लिए सरकार नई योजना लागू कर पर्यटन से जोड़ने की तैयारी कर रही है। वन विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन वन्य जीव गणना करने के बाद राज्य सरकार ने जोधपुर जिले सहित प्रदेश में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना कराई गई। वन विभाग वन्य जीव प्रभाग जोधपुर पिछले कुछ समय से मोर का शिकार करने वाले शिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। ऐसे शिकारियों के खिलाफ भी वन्य जीव अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर शिकार करने वाले को आरोपी करार दिया जा रहा है। इससे शिकारियों में भी भय का माहौल बना हुआ है। उधर बारिश, सड़क दुर्घटना और जहरीला अनाज खाने से घायल होने वाले मोर को बचाने के लिए विभाग द्वारा तहसील स्तर पर खोले गए रेस्क्यू सेंटर काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इससे घायल होने वाले मोर को जल्द से निकट के रेस्क्यू में ले जाकर पशु चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर दुरुस्त कर दिया जाता है। सेहत में सुधार होने के बाद मोर को फिर से खुली हवा में छोड़ दिया जाता है। जोधपुर वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में जनवरी से जुलाई 2018 के दौरान घायल होकर आए 25 मोर का उपचार कर उन्हें वापस बाहुल्य क्षेत्र में आजाद किया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।